इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे, ये तस्वीर प्रशासन की नींद उड़ा गई थी और इतने बड़े अस्पताल की शाख पर पट्टा भी लगा गई थी। तस्वीर आई थी इंदौर के MY अस्पताल से, लेकिन अब एक अज्ञात महिला सुबह उस बच्चे को संयोगितागंज थाने के गेट पर छोड़ गई। नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। पूरे मामले को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि एक दिन के बच्चा जिस तरह के परिस्थितियों में अचानक वहां से गायब हुआ, उसको एक चुनौती के रूप में लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। इसमें लगभग 450 वाहनों को चिन्हित किया गया जो इसकी परिधि में आते थे, क्योंकि वाहन के नंबर के साथ उसमें छेड़छाड़ की गई थी, स्पष्ट नंबर नहीं था। उन सभी लोगों से लगातार सख्ती से पूछताछ चल रही थी, जो भी संभावित उसमें व्यक्ति हो सकते थे। पुलिस के इस बढ़ते दबाव के कारण आज सुबह एक अज्ञात महिला ने थाने के बाहर गेट के पास में वहाँ बच्चे को छोड़कर वहाँ से भागना देखा गया उसका, और उसके बाद तत्काल उसको जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसे अस्पताल में पहुँचाया गया है। बहरहाल उस महिला के कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं, ये बहुत हद तक संभावना है कि वही महिला हो जिसने वहाँ से एक बच्चे को गायब किया है। इस पूरे मामले पे महिला को पहचान के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। बच्चे की घर वापसी, बच्चे को घर लाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और अब दूसरी प्राथमिकता उस आरोपी तक पहुंचाना जिसने बच्चे को गायब किया था। पुलिस की ये कार्रवाई उस महिला के पकड़े जाने तक जारी रहेगी। थाने में कहां पर बच्चे को छोड़ा है? थाने के गेट पर कहां पर? मुख्तार पे इस बच्चे को थाने के गेट पर छोड़ा गया, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें सख्ती से कई लोगों से पूछताछ कर रही थी, लगातार इसमें दबाव बना हुआ था। इस बढ़ते दबाव के कारण उसने बच्चे को छोड़कर वहां से जो भी आरोपी थे वो भागे हैं, वो महिला भागी है। लेकिन इससे पुलिस की कार्रवाई अभी नहीं रुकेगी। मुख्तार बच्चे को निश्चित तौर पे उसके माँ बाप के पास पहुंचाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस महिला की पहचान और उसकी गिरफ्तारी तक एक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। बच्चे की उम्र एक दिन की है, बच्चे के वो कपड़े और बाकी चीज़ें ये सब प्रारंभिक तथ्य पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी हैं। बाकी इसकी और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। उसमें कुछ प्रारंभिक फुटेज आए हैं जिसके आधार पर एक महिला द्वारा उस बच्चे को छोड़ने की घटना दर्ज हुई है। उसमें आरोपी की सूचना देने पर या आरोपी की पहचान पर उसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है, और उसमें जो भी सूचना देता है उसे 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि 15 नवंबर को MY अस्पताल में रानी बियानी नाम की महिला ने एक लड़के को जन्म दिया था। शाम को एक महिला बच्चे की जांच करने नर्स बनकर पहुंची और बच्चे को अगवा कर ले गई थी। बच्चे को अगवा करने की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई थी। तब से ही पुलिस लगातार महिला की तलाश में थी और पुलिस की जांच और पूछताछ के डर से ही शायद ये महिला बच्चे को छोड़कर चली गई। बहरहाल पुलिस CCTV के आधार पर महिला की